अब आपको सीधे लेकर चलते हैं पुष्कर सिंह धामी, इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। सरकार नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है, उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचेगी, हमारा शासन पहुंचेगा, हमारी सेवाएं पहुंचेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे कोरोना के समय में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को जो राशन देने की योजना है, चाहे हम वैक्सीन की बात करें, आज वैक्सीन देने की बात है। एक तरफ जहाँ दुनिया के दूसरे देश जो हमारे बीच में कोरोना वायरस लेकर आ रहे हैं, अपनी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस का निर्माण कर रहे हैं, और वहीं विश्व बंधुत्व की भावना जो हमारी हमेशा से रही है, जो हमारा सनातन रहा है, कि उसको लगातार दूसरे देशों को भी, हमारे देश को तो दे ही रहे हैं। देश के अंदर आज 34 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और दुनिया के दूसरे देशों को भी हमारा देश वैक्सीन देने का काम कर रहा है। निश्चित रूप से जो उनका मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसको निश्चित रूप से हम चरितार्थ करेंगे। और जो हमारे सामने चुनौती है, हम सब लोग मिलकर प्रदेश के जो हमारे मेरे सीनियर लोग हैं जिन्होंने पहले कामों को आगे बढ़ाया है और जिन्होंने कुछ चीज़ों की आधारशिला रखी है, उन आधारशिलाओं को अंजाम तक पहुंचाने का काम मैं प्राणोपरण से करूंगा। सर, शपथ का क्या कार्यक्रम है, कब तक का तय किया गया, क्या कुछ है? शपथ का कार्यक्रम आज महामहिम जी को हम लोगों ने अपना जो प्रस्ताव है वो दे दिया है और महामहिम जी की तरफ से जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, क्या पुराना मंत्रिमंडल, उसमें किसी तरह के बदलाव, कुछ लोग ड्रॉप किए जाएंगे, पोर्टफोलियो बदले जाएंगे, क्या कुछ होगा? नहीं, अभी जल्दी जल्दी सबको पोर्टफोलियो मिले हैं, उसके बारे में हमारा सबका अभी इसके बाद इस पर चर्चा होगी। अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी होमवर्क हुआ नहीं है, होमवर्क पूरा होने के बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह पाऊंगा। सरकार के शेष 6 महीने बचे हैं तो चुनौती अब मानते हैं 2022 सबसे बड़ी चुनौती होगी आपके सामने? निश्चित रूप से इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे। निश्चित रूप से मेरा ये लक्ष्य होगा कि हमारे जो भाई बेरोजगार हैं हजारों लाखों की संख्या में, उनको कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने का काम हो, और जो उसके लिए मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लगातार उसके लिए मैंने, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे हमारे रुद्रपुर में सिटकुल का घेराव हो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने जो है स्थानीय जो हमारे यहाँ के उद्योग हैं उन उद्योगों में रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में उनको रोजगार मिले, उसके लिए लगातार आंदोलन किए हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। और सारे प्रदेश के युवा जानते हैं कि निश्चित रूप से उन युवाओं के विश्वास को और दृढ़ करने का काम हम करेंगे। सर, 6 महीने का कार्यकाल है, आपदा प्रदेश भी ये कहा जाता है, आपने अभी कहा कि इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे, तो चुनौती क्या ये आपदा थी जिसको आप अवसर में बदलेंगे? नहीं, आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं, इस प्रकार का कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये चुनौती है 2022 की, तो हम इसको चुनौती नहीं, हमने कहा कि हम इसको अवसर मानते हैं, हम लोगों की सेवा करेंगे और सेवा करके उनका दिल जीतेंगे। सर, एक सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर जब तीरथ मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने साफ कहा था कि इसमें पुनर्विचार होगा, और जो तीर्थ पुरोहित है उनकी नजर इस पर पिछले 4 महीने से लगी हुई है, अब आप मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या आप इसमें पुनर्विचार करेंगे या इसे खारिज करेंगे या क्या कुछ फैसला करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने, जो मेरे सीनियर लोग हैं, जो मेरे से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बातों का कहीं अनादर न हो, जो उन लोगों ने कमिटमेंट किए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। सर, नौकरशाही एक बड़ा इशू रहा है और आप जब विधायक थे तो आपने भी कई बार ये सवाल उठाया था, अब जब आप सीएम हैं तो कितना बदलाव हम इसको देखेंगे? निश्चित रूप से नौकरशाही का जो काम है नौकरशाही करेगी, और हम लोगों का जो काम है, हमारे कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। नहीं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ा, यहां के लोगों के लिए रोजगार का साधन है, और बहुत सारे लोग आज जो चारधाम यात्रा रुकी हुई है उसके कारण से उनके घर परिवार चलना मुश्किल हो गया है। हम माननीय न्यायालय में इस बात को जो चल रही है उसको अपना पक्ष रखेंगे और उस पर जो है कोशिश करेंगे कि आगे करें। ठीक है सर, धन्यवाद।
तो सीएम चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी को आप पहली बार सुन रहे थे, और प्रदेश के विकास को लेकर और आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो पूरी तैयारी है वो पार्टी की है, और जो अवसर मिला है उस अवसर को हम पूरी तरह से जनता की सेवा में लगाएंगे, ये साफ साफ कहना था। साथ ही साथ प्रदेश में उनसे सवाल कई सारे पूछे गए, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा गया, और साथ ही साथ प्रदेश में 2022 में चुनाव को लेकर क्या रणनीति है उस रणनीति को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी की सीधी रणनीति है और जीत पार्टी दर्ज करेगी उत्तराखंड में एक बार फिर से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।